वगैरह के बच्चों, कल की वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ तुम्हें समझाने का प्रयास किया और बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने काफ़ी कुछ समझा भी होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आती आप उसको पूछें बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के। और बेटा एक बात और ध्यान रहे कि आप लोग मन लगा के अपना काम करो, गलत हो जाए काम कोई दिक्कत नहीं, आप उसको दोबारा पूछो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार मन लगा के प्रयास जरूर करो। तो बेटा आज हमारा कोई नया फॉर्मूला तो है नहीं, पुराने ही फॉर्मूलों पर आधारित आज हमारी विविध प्रश्नावली चलेगी। और बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि पुरानी थ्योरी आप एक बार क्लियर जरूर कर लें ताकि तुम लोगों की समझ में वो अच्छे से आ सके। देखो विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1, तो भाई 1 में इसने बोला है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय, इसका निर्णय कीजिए। तो बेटा इसका निर्णय करने से पहले हम लिखेंगे इसने क्या दिया है, ए इज इक्वल टू क्या दिया है इसने, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, तथा फिर इसने कहा है तथा क्या कहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो पहले जरा इसी को देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 12 बराबर 0 को। तो बेटा हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर 12 के ऐसे टुकड़े, 6 दुनी 12 और 6 और 2 8 होते हैं, तो माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0, एक्स हमने कॉमन लिया, x माइनस 6 माइनस का 2 कॉमन लिया, x माइनस 6 बराबर 0, एक्स माइनस 6 पूरे में से बाहर लिया, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 और 6। तो यानी हमारा जो सेट आया A, तो A जो सेट आया वो हमारा क्या आ गया, 2 6। और बेटा B जो इन्होंने दिया है, B दिया है इन्होंने 2 4 6, तो B में हमने लिख दिया 2 4 6। और बेटा सी जो सेट दिया है इन्होंने 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यानी अनंत तक जा रहा है। और बेटा डी जो सेट दिया है इन्होंने 6। तो अब ये कह रहा है कि आप बताएं कि कौन सा किसका उपसमुच्चय है। अब कौन सा किसका उपसमुच्चय, पहले ए की कंपैरिजन कर लें सबसे, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी से। बेटा ए की कंपैरिजन आप बी से करो। देखो आप, जब ए में 2 6 है और बी में अवेलेबल दिखाई दे रही, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। फिर ए की कंपैरिजन सी से करो, तो ए के सारे तत्व सी में भी हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ सी। फिर ए की कंपैरिजन आप डी में करो, तो बेटा ए के सारे तत्व डी में तो उपलब्ध नहीं दिखाई दे रहे, तो डी के बारे में आप नहीं लिखेंगे, तो ए की कंपैरिजन होगी सबकी। अब बेटा बी की कंपैरिजन करो, तो बी की तुलना जब आप ए से करोगे, तो बी के सारे तत्व ए में उपलब्ध नहीं है, तो नहीं है। अब बी के सारे तत्व सी में उपलब्ध है, तो यानी बी सबसेट ऑफ सी, बी के सारे तत्व डी में उपलब्ध नहीं है, छोड़ दो। तो बी की तुलना होगी सबसे, सी पे चलो बेटा, सी के सारे तत्व ना ए में है ना बी में है ना डी, तो सी किसी का भी उपसमुच्चय नहीं है। फिर डी पे आओ, तो डी के सारे तत्व ए में भी हैं, तो यानी डी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ बी, डी सबसेट ऑफ सी। भाई डी के सारे तत्व ए में भी हैं, डी के सारे तत्व बी में भी हैं, डी के सारे तत्व सी में भी हैं, तो डी इज सबसेट ऑफ सी। बेटा ये मैंने सारे लिख दिया, आप चाहो तो उत्तर वाला से आप इनको मिला भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बेटा और भी क्वेश्चन है इसमें, थोड़े चिर के सोच विचार तुम्हें करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन के लिए तुम रुक जाओ, इन्हें मैं एक एक करके खुद ही बताऊंगा, थोड़े अटपटे से हैं, इनको मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उससे पहले जिस टाइप के क्वेश्चन तुमने कल किए थे मैं उस तरीके के समझाना चाह रहा बेटा तुम्हें। उस तरीके करने से मतलब आज का जो होमवर्क रहेगा तुम्हारा वो ये रहेगा बेटा, एक तो आप 13 क्वेश्चन करोगे, 14 करोगे, ठीक है, और 15-16 में से 15 मैं बता रहा 16 तुम करोगे, ठीक है बेटा, और उदाहरण जितने भी तुम कर सको। और पहले क्वेश्चन के बाद जो बीच के रुक गए ना, बीच के दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये सारे मैं अपने आप कराऊंगा, इनको तुम मत करना बेटा अभी, इनको मैं एक एक को समझा के खुद कराऊंगा। तो फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 15 देखें। देखो बेटा 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, और मुझे लगता है 15वें के लिए मुझे पेज भी आगे ही बदल लेना चाहिए। हाँ, चलो अच्छा। 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया, तो सबसे पहले हमने एक चित्र बना दिया ऐसे, ये ठीक है, ये क्या है बेटा आपका यूनिवर्सल, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। अब आप क्वेश्चन को समझें एक बार, क्वेश्चन क्या है, 60 लोगों के सर्वे, 15वां क्वेश्चन है भाई, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं,
तो सबसे पहले तो 60 लोगों का सर्वेक्षण है, तो यूनिवर्सल कितना हो गया आपका 60, भाई नंबर ऑफ यूनिवर्सल कितना हो गया 60, तो 60 में हमने सबसे पहले क्या बनाया ए। ये क्या है भाई आपका, 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, तो एच की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई 25। उसके बाद आता है यहाँ से 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, तो यहाँ हमने समाचार पत्र टी बनाया, तो टी बराबर कितना है भाई 26। समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, देखो भाई 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं मैंने लिख दिया, 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं मैंने लिख दिया, अब 26 लोग समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, ये एक यहाँ बनाया तुमने बेटा, यूनिवर्सल से बाहर निकल गया थोड़ा, आप चित्र सही बनाना, यूनिवर्सल थोड़ा बड़ा कर दो आप लोग, तो यहाँ कितना है आपके पास आई बराबर भी आपके पास कितना है 26। ध्यान दें एच बराबर 25, टी बराबर 26, आई बराबर 26। 9 लोग एच तथा आई दोनों पढ़ते हैं, भाई 9 लोग ऐसे हैं जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं, बेटा ये एच है ये आई है, तो यहाँ कितना आएगा आपके पास 9। 9 लोग एच और आई दोनों पढ़ते हैं, ध्यान दें तो बेटा ये एच है ये आई है, यहाँ हमने लिख दिया 9। आगे बढ़ो, 9 लोग एच तथा आई दोनों पढ़ते हैं, 11 लोग एच तथा टी, तो एच और टी के बीच में हमने क्या लिख दिया बेटा 11 लोग, ये एच और टी के बीच में 11 लोग एच और टी दोनों पढ़ते हैं, 8 लोग टी तथा आई, तो टी और आई पढ़ने वाले कितने लोग हैं भाई आपके पास 8 लोग, ध्यान दे मेरी बात पे, टी पढ़ने वाले कितने लोग हैं आपके पास 8 लोग, टी और आई पढ़ने वाले कितने लोग हैं आपके पास 8 लोग, इट्स ओके। उसके बाद आगे पढ़ो क्या कहा इसने, टी 8 लोग टी तथा आई दोनों, और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो बेटा ये तीनों वाला जो खाना है यहाँ कितने रह गए आपके पास 3, 3 लोग कैसे हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो बेटा बात आती है थोड़ा, सबसे पहले एच के बारे में बात कर ले भाई, मुझे एक बात बताओ, एच पढ़ने वाले लोग 25 हैं, तो ये एच का सर्कल है ओके, ये एच पढ़ने वालों की संख्या कितनी है भाई 25, तो एच पढ़ने वालों में 11 कैसे हैं जो एच के साथ साथ टी भी पढ़ते हैं, ठीक है, 9 कैसे हैं भाई, 9 ऐसे हैं जो आपके साथ एच के साथ साथ आई भी पढ़ते हैं, और 3 कैसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं, तो दिक्कत का विषय हो गया भाई। तो हम एक एक पार्ट पे चलते हैं भाई पहले, ठीक है बेटा, हम एक एक पार्ट पे चलते हैं, सबसे पहले आते हैं एच और टी जो पढ़ रहे हो कितने हैं 11, लेकिन 11 में से हमने 3 घटा दिए, कितने रह गए हमारे पास 8, 8 लोग ऐसे हैं जो एच और टी पढ़ते हैं, देखो मैं यहां लिखता हूं, सबसे पहले यहां लिखता हूं, चलो मैं एच और टी पढ़ने वाले, केवल लिख दो बेटा यहां से, केवल एच और टी पढ़ने वाले, तो बेटा एच और टी पढ़ने वाले कितने थे आपके 11, 11 में से हमने 3 निकाल दिए क्योंकि 3 एच टी के साथ साथ आई भी पढ़ते हैं, तो कितने रह गए 8। ये बात मुझे उम्मीद है समझ आई होगी सबके, बेटा एच और टी पढ़ने वाले की जो संख्या है वो 11 थी, लेकिन मैंने क्या लिखा केवल एच और टी पढ़ने वालों की संख्या, तो बेटा कितनी रहेगी 8। एच और टी के बाद आओ आप लोग एच और आई पे, अब हम लिखेंगे यहां से केवल एच और आई पढ़ने वाले, तो एच और आई ढूंढो भाई, एच और आई पढ़ने वाले 9 हैं, लेकिन 3 कैसे हैं एच आई के साथ जो टी भी पढ़ते हैं, तो ये हमने निकाल दिए कितने रह गए 6। बात को गौर से ध्यान दो बेटा आप लोग। उसके बाद आओ केवल भाई एच और टी हो गया, एच और आई हो गया टी और आई, केवल टी और आई पढ़ने वाले, तो बेटा टी और आई पढ़ने वाले कितने हमारे पास 8, 8 में से हमने 3 निकाल दिए, कितने रह गए 5। भाई टी और आई पढ़ने वाले 8 हैं, लेकिन 3 तो ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं, और हमें क्या चाहिए केवल टी और आई, तो केवल टी और आई में कितने रह गए हमारे पास कितने 5। तो बेटा ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, ये वे लोग हैं जो दो दो समाचार पत्र पढ़ते हैं, इट्स ओके। ये कौन लोग हैं जो दो दो समाचार पत्र पढ़ते हैं, देखो यहाँ केवल एच और टी पढ़ने वाले आ गए, यहाँ केवल एच और आई पढ़ने वाले आ गए, यहाँ टी और आई पढ़ने वाले आ गए ओके। अब देखो जो
तीनों पढ़ते हैं वो कितने हैं, तीन लोग। ये भी बात क्लियर होगी सबके। अब आते हैं केवल एक पर। केवल एक का मतलब अब हम आएंगे यहां केवल एच पढ़ने वाले। आ जाओ भाई, एच पढ़ने वाले कितने थे आपके, 25। ध्यान देना मेरी बात पे भाई, एच पढ़ने वाले कितने थे, 25। अब एच के सर्कल पे आ जाओ भाई, ये रहा एच का सर्कल, ये एच पढ़ने वाले कितने थे, 25। लेकिन 25 में से 8 कौन थे जो एच के साथ टी भी पढ़ते हैं। यहां भी 9 में से 3 घटाओ भाई, 9 - 3 = 6, और यहां 8 - 3 = 5। ये करो भाई आप लोग। हाँ भाई, एच के सर्कल पे आओ, एच कितने थे, 25। 25 में एच के साथ टी पढ़ने वाले, कॉपी में तुम लिख चुके होंगे, अपनी कॉपी में भी देख सकते हो, एच के साथ टी पढ़ने वाले कितने थे, 8। तो 25 में से 8 घटा दिए, माइनस। अब एच के साथ आई पढ़ने वाले कितने थे, 6। 6 भी घटा दिए। अब बेटा तीनों पढ़ने वाले कितने हैं, 3। ये भी घटा दिया हमने। देखो भाई, ध्यान दो बात पे मेरी, केवल एच पढ़ने वाले, तो केवल एच पढ़ने वाले कितने, 25। 25 में से एच के साथ क्या थे, जो टी पढ़ते थे, 8, ये घटा दिए। एच के साथ आई पढ़ते थे, 6, घटा दिए। और एच के साथ जो दो और पढ़ते हैं, ऐसे तो 3 ही लोग हैं जो तीनों पढ़ते हैं, ये भी हमने घटा दिया। तो कितना रह गया, 25 माइनस, भाई इसको आप जोड़ो, 8 और 3 = 11 और 6 = 17। तो भाई 17 हमने घटा दिया इसमें से, तो ये आ गया हमारे पास 8। ठीक होगी बात भाई। तो यानी 8 लोग कैसे हैं जो केवल एच पढ़ते हैं। अब केवल एच के बाद हम पढ़ते हैं केवल टी। तो भाई केवल टी के सर्कल पे पहुंचो आप, ये रहा केवल टी का सर्कल। तो केवल टी के सर्कल में बेटा 26 है, 26 में से आप 8 घटाओगे जो एच पढ़ रहे साथ साथ, 26 में से आप 5 घटाओगे जो क्या पढ़ रहे साथ साथ, आई पढ़ रहे, और 3 घटाओगे जो तीनों पढ़ रहे। तो बेटा केवल टी में मैंने क्या लिख दिया, 26 - 8 - 5 - 3। तो ये आ गया बेटा आपके पास 26 माइनस 8 और 3 = 11 और 5 = 16। 26 में से 16 गए 10। तो ये कितने लोग हैं जो केवल टी पढ़ते हैं। केवल टी के बाद आप आओ केवल आई। तो केवल आई का मतलब सिर्फ और सिर्फ आई। तो बेटा आई के सर्कल पे चलो आप, ये रहा आई का सर्कल। तो 26 में से क्या क्या घटाना पड़ेगा, 26 में से एक तो ये 6 घटाना पड़ेगा, 26 में से एक ये 5 घटाना पड़ेगा, और 3 तो बेटा सब में से ही घटेगा। तो ये आ गया आपके पास 26 - 6 - 5 - 3। तो 26 - 6 और 5 कितने हो गए, 11 और 3 = 14। तो बेटा 6 में से 2 गया तो 12। तो ऐसे कितने लोग हैं जो केवल आई पढ़ते हैं, 12। बेटा एक बात सुनो, ऊपर कौन लोग आए थे, ऊपर ये लोग आए थे जो केवल 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं। कौन लोग आए, केवल 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले। अब ये जो नीचे लोग आए, नीचे कौन कौन आए भाई, एक तो ये 8 पढ़ रहा, एक ये 10 पढ़ रहे, एक ये 12 पढ़ रहे, ये है केवल 1 समाचार पत्र पढ़ने वाले। ठीक है, केवल 1 पढ़ रहे हैं, ये हमने छांट दिए। ऊपर कौन है जो केवल 2 पढ़ रहे। अच्छा, केवल 2 वालों को जरा टोटल करो आप लोग, कितने आ गए भाई, 8 और 6 = 14 और 5 = 19 लोग जो केवल 2 पढ़ रहे, इनका टोटल करो आप लोग जरा, 12 और 10 - 22, 12 और 10 - 22 और 8 - 30। ये लोग कितने होंगे, 30। तो ये हो गया आपके पास भाई 30 लोग जो केवल 1 पढ़ते हैं। ये ऊपर कितने लोग हुए थे आपके पास, 19 लोग जो केवल 2 पढ़ते हैं, और जो केवल 3 पढ़ते हैं वो है 3। अब देखो प्रश्न में पूछा क्या, इतना काम करने के बाद प्रश्न में पूछता है कम से कम 1 समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो बेटा कम से कम 1 पढ़ने वाले का मतलब क्या है, 1 पढ़ने वाले भी आएंगे, 2 पढ़ने वाले भी आएंगे, 3 पढ़ने वाले भी आएंगे। तो यहां जो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा आपके पास वो क्या होगा भाई, देखो भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर, कम से कम 1 पढ़ने वाले, तो कम से कम 1 पढ़ने वाले में बेटा 1 वाले भी आएंगे, 1 वाले कितने हैं, 19। 2 वाले आएंगे, 2 वाले कितने हैं, 30। 3 वाले आएंगे, 3 वाले कितने हैं, 3। तो बेटा 19 और 30 कितने हो गए, 22, और 22 और 30 52। तो ऐसे 52 लोग हैं, कौन, जो इनमें 1 पढ़ने वाले भी हैं, 2 पढ़ने वाले भी हैं, और 3 पढ़ने वाले भी हैं। क्लियर होगी बात यहां तक सभी को। अब ये कहता है ठीक ठीक केवल 1 पत्र पढ़ने वाले। सेकंड में क्या बोला इसने, ठीक ठीक केवल 1 पढ़ने वाले। तो बेटा ठीक ठीक केवल 1 पढ़ने वाले, अभी तो सॉल्व करा तुमने, 30 लोग, 30 लोग ऐसे हैं जो ठीक ठीक केवल 1 पत्र पढ़ते हैं। ओके,
मुझे उम्मीद है समझ आया होगा, थोड़ा अटपटा सा तो लगा होगा बेटा, लेकिन एक बार आप फिर से प्रैक्टिस करना और 16वां क्वेश्चन इसके जैसा करके देखना। एक ऐसा उदाहरण भी है बेटा, मैंने इसमें कोई सूत्र का प्रयोग नहीं किया, सूत्र का प्रयोग करने फिर बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैंने कोई सूत्र का प्रयोग नहीं इसमें किया। तो आप लोग चाहो तो सूत्र के प्रयोग से भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसा फिर आपको ठीक लगे आप ऐसा करें। तो बेटा आज का होमवर्क मैंने दे दिया, तो आज इतना ही काम करें आप लोग।